रैपिड एक्शन फोर्स को रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है और लगातार वहां पर जो प्रदर्शन हो रहा था तो लोगों पर आंसू के गोले भी छोड़े गए हैं सोचिए किस तरह से एक छोटी सी बात ने इतने बड़े मामले का रंग ले लिया है और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि हिंदू युवा वाहनी आखिर होती कौन है यहाँ पर मामले में दखल करने के लिए क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी ने अल्टीमेटम दिया था अड़तालीस घंटे का कि अड़तालीस घंटे के अंदर जिन्ना की तस्वीर हटाओ वरना हम हटा देंगे और यही करने पहुंची थी वहां पर जहां पर हिंसक दौर देखने को मिला है तो वहीं बीच बीजेपी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने बयान दिया है उन्होंने जिन्ना को एक जिन्ना की तारीफ कर दी है अब उसको लेकर बवाल हो रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ या तो मौर्य को हटाएं या तो इस्तीफा दें कहा यह किसने है हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने और उन्होंने यही नहीं यही भी कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मिनी पाकिस्तान है चलिए दिखाते हैं आपको खबर सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिन्ना को महापुरुष बोला है स्वामी प्रसाद मौर्या ने कल बोला था उन्होंने अब उस बयान पर चौतरफा गिर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पहले खबर दिखाती हूँ कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बोला था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन ऑफिस में पाकिस्तानी संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जिन्ना भारत के महान पुरुष थे और बंटवारे से पहले जिन्ना का भी देश के लिए योगदान था अपने पार्टी के सांसदों और अन्य नेताओं पर हमला बोलते हुए ने कहा कि चाहे उनकी ही पार्टी के सांसद या विधायक क्यों ना हो ऐसी बयानबाजी करने वालों को घटिया किस्म का मानते हैं क्योंकि देश के बंटवारे के लिए पहले जिन्ना का भी योगदान रहा है ये उन्होंने बयान दिया उन्होंने महापुरुष से उनकी तुलना कर दी अब इसी पर जमकर हो रहा है क्योंकि ऐसे में हिंदू युवा वाहिनी का अगर जिक्र करूं तो लोग चाह रहे हैं सुरेश गौतम जो कि अलीगढ़ के बीजेपी सांसद हैं उन्होंने बकायदा खत लिखा विश्वविद्यालय के वीसी को और पूछा कि किस आधार पर आपने जिन्ना की तस्वीर लगाई है तो वहां पर जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं फैजुल हसन उन्होंने कहा है कि पहले संसद से आप जिन्ना की तस्वीर हटाइए फिर हमसे बात करिए और हम हमें पता है और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि तस्वीर आज की नहीं है तस्वीर बहुत पुरानी है साल उन्नीस से वहां पर तस्वीर लगी हुई है तो फिर आज इस मामले मामले पर इतना इतने मामले को हवा देने की जरूरत क्या है आज कैसे याद आ गया यहाँ पर कि अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर लगी है आखिर तब कहा थे यानी इस मामले को जमकर सियासी रंग दिया जा रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले को सियासी तरीके से कहीं ना कहीं आ, इसको हैंडल भी किया जा रहा है जो कि सरासर गलत है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं अब ऐसे में वो चौतरफा गिर रहे हैं कासगंज आपको अच्छे से याद होगा सांप्रदायिक मामला था वो और इस पे भी पर भी सीएम योगी घिरे थे अब यहाँ पर भी सांप्रदायिक ही मामला सामने आ रहा है जब से यूपी की सत्ता पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक मामलों की शायद कमी नहीं देखी गई है और हर चीज को उनसे जोड़ा जाता है क्योंकि एक वक्त वो फायर ब्रांड नेता कहे जाते थे बीजेपी की तरफ से और सांप्रदायिक बयान देने में उनका नाम सबसे पहले आता है असदुद्दीन ओवैसी की तरह वो भी कम तेज तरह नेता नहीं रहे हैं हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने काफी अपनी भाषा शैली पर काम किया है चलिए बात करते हैं आप हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रमानी जी को लेकर ये देखिए जरा मिनी पाकिस्तान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये कहना है हिंदू महासभा का आप खबर देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रहती है और ऐसे में ए एम यू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मिनी पाकिस्तान ऐसे आतंकियों का गढ़ भी कहा जाता है यहाँ कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है एक बार पूरी तरह से इसकी सफाई होनी चाहिए ये कहना है आखिर भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का उन्होंने खास बातचीत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर यह सनसनी आरोप लगाए हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर उठे विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर लगाना देश के महापुरुषों और सेना का अपमान है वो वहाँ के राष्ट्रपिता हैं इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जांच की जानी चाहिए की किसके आधार किसके आदेश पर वहाँ तस्वीर लगाई गई है और उनका कहना है कि जिन्ना की जिन्ना की आजादी की लड़ाई में जो भी योगदान रहा हो लेकिन वो देश के बंटवारे और हिंदू मुसलमान की जान जाने के जिम्मेदार हैं, इसलिए देश में उनकी तस्वीर नहीं लगाई जा सकती है ये कहा है और देखिए अब उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से या तो हटाए सीएम योगी आदित्यनाथ या तो स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाएं या तो खुद इस्तीफा दे दें चक्रपाणी ने कहा है कि जिन्ना न केवल देश का गुनागार है बल्कि मानवता का भी गुनागार है जिसने अपने कायदे के लिए लाखों बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का नरसंहार कर देश का विभाजन करवाया था यह कहना है हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के जो जनक है मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर जो विवाद है लगातार गहरा रहा है अब इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि सीएम योगी अपने मंत्रिमंडल में सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करें और उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ ये दो काम नहीं कर सकते हैं तो खुद इस्तीफा दे दें चलिए उनका पहला काम सुन लेते हैं उन्होंने पहला काम क्या कहा है उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूनिवर्सिटी में लगी तस्वीर हटाएं हटवाएं उन्होंने अपील की है उन्होंने बात कहा है सीएम योगी से कि पहले वो जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो जिन्ना की तस्वीर लगी है उसको हटवाएं दूसरी यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो महापुरुष कहा है जिन्ना को उनके खिलाफ एक्शन ले और उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाए अगर दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ तो कृपया करके अपना पद छोड़ दें ये कहना है चक्रपाणी महाराज का स्वामी चक्रपाणी का और उन्हें कहा है कि अः चक्रपाणी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है अपने ज्ञापन में चक्रपाणी ने अली जिन्ना को महापुरुष कहे जाने पर आपत्ति जताई है और इसके लिए यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है चक्रपाणी ने कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना को महापुरुष बताकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को देशद्रोही साबित कर दिया है लिहाजा उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं रह गया है और बतौर चक्रपाणी यूपी सरकार के मंत्री का यह बयान देश के उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी है आगे उन्होंने कहा कि जिन्ना न केवल देश का गुनागार है बल्कि मानवता का भी गुनागार है जिसने अपने कायदे के लिए माफी चाहूंगी जिसने अपने फायदे के लिए लाखों बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संख्यकों का, का नरसंहार करवाया और देश को बांट दिया <coughs> इसके साथ ही उन्होंने मुंबई में जो जिन्ना हाउस है उसकी जगह वीर सावरकर हाउस बनाने की भी मांग की है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सुना आपने किस तरीके से एक तस्वीर को लेकर बवाल हो रहा है जिसका ना आगे कोई समझ रहा है ना जिसका पीछे कोई समझ रहा है अब उस पर हिंदू महासभा भी कूद पड़ी है देखिए कल हिंदू युवा वाहनी कूदी थी अब हिंदू महासभा भी कूद पड़ी है हिंदू महासभा के जो हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया है स्वामी चक्रपाणी उन्होंने साफ साफ कहा है भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी उन्होंने कह दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम दिया धमकी ही समझ लीजिए कि दोनों काम करिए वरना आप खुद इस्तीफा दीजिए एक तस्वीर को लेकर सोचिए कि हमारे यूपी में किस तरह सियासत गरमा रही है सोचिए जरा आखिर आपको क्या लगता है इसके पीछे राजनीति नहीं तो और क्या काम कर रहा है सबको पता है क्योंकि इसके पीछे सियासी इस मामले का सियासीकरण किया जा रहा है तस्वीर जब बहुत पहले से लगी थी तब इस पर रुझान क्यों नहीं गया चार साल से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं सत्ता में बीजेपी है और एक साल से सीएम योगी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सत्ता में एक साल से यूपी की सत्ता में बीजेपी है तब क्यों नहीं इस पर जागी बीजेपी सरकार तब क्यों नहीं इस पर ध्यान आया हिंदू युवा वाहिनी का तब क्यों नहीं ध्यान आया अलीगढ़ के जो सांसद सुरेश गौतम का अचानक से उनका ध्यान कैसे आ गया कि यहाँ पर जो हॉल है वहां पर जिन्ना की तस्वीर लगी अगर लगी है तो क्या उस मामले को सोझबूझ के तरीके से हल नहीं किया जा सकता है मैं बार बार कह रही हूँ एक छोटे से मामले को इतना सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है क्यों यहाँ पर दो देशों के बातें की जा रही है यहाँ पर

आप ये देखो कि कोई भी अभी बड़ा नेता यहाँ पे बयान नहीं दे रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी फिलहाल कुछ ऐसा वहां पे कुछ सामने नहीं आई है ऐसी कोई प्रतिक्रिया सोचिए जरा फिर किस तरीके से इस मामले को तोड़ दिया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो जहाँ पर एक शैक्षिक संस्थान है जहाँ से अच्छी तादाद में जो स्टूडेंट होते हैं अपने भविष्य को संभालने के लिए निकलते हैं वहाँ से रोजगार की तलाश करते हैं जो ऐसे में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरह का हो हल्ला हो रहा है सोची जरा बात यहाँ पर बस इतनी है जो सवाल बनता है कि तस्वीर आज की नहीं है तस्वीर बहुत पहले की है तो फिर आज ही इस पर इतना बवाल क्यों है और मीडिया इतना फोकस क्यों कर रहा है क्या मीडिया आप कठवा कांड उन्नाव कांड भूल गया है क्या उसको अब लग रहा है कि अब इसमें भी थोड़ा सा उसको मसाला मिल जाएगा तब उसका भी फोकस बन गया है रिपोर्टिंग करने में गुरेज नहीं है रिपोर्टिंग करनी चाहिए मीडिया का काम है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है लोक... आप करिए लेकिन किस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी समझिए आप बायस्ड होकर इस इस काम को मत करिए आप दोनों पक्षों को रखिए कि आखिर पक्ष क्या है जिस तरीके से अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को स्वामी चक्रपाणि ने जो कहा है अब देखते हैं उस पर, <coughs> उस पर क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरह से ये सवाल सामने आ रहे हैं अब विश्वविद्यालय ए एमयू को, को लेकर बवाल हो रहा है वो वाकई समझ से परे है अब उन्होंने ये बात केंद्रीय गृह गृह मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंचा दी है सोचिए और जिन्ना हाउस जो मुंबई में बना हुआ है अब उसको भी वीर सा हाउस बनाने की बात कर रहे हैं बहुत बड़े सवाल है और खुद सोचने वाला सवाल है कि आखिर हम ट्वेंटी सेंचुरी में जी रहे हैं क्या आखिर हम मॉडर्नाइज किस तर, किस तरीके से खुद को मॉडर्नाइज़ करते हैं कपड़े पहन लिए हैं उस तरीके से कहते हैं सोच मॉडर्नाइज तो मुझे नहीं लगता हो गई है क्योंकि तो अभी भी सोच में तो वही मजहब वही धर्म वही जाति और वही रंग भेद वही छुआछूत तो घुसा हुआ है हालांकि कुछ तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखने को मिला है कि कुछ तो बदलाव की बयान आई है लेकिन अभी इतनी बदलाव की बयान नहीं आई है तो इस तरह से हम विकास करेंगे सोचिए जरा क्योंकि तस्वीर को लेकर इस तरह से बवाल हो रहा है तो दर्शकों आपके खास प्रोग्राम में बस इतना ही कल होगी आपसे फिर मुलाकात लेकिन तब तक के लिए नमस्कार